अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर असमार और आप देख रहे हैं चैनल PHY मेंटोर। आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, एग्जाम्पल्स इसकी कौन कौन सी हैं, डेली लाइफ में इसका यूटिलाइज क्या है। इसी तरह आप वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वेव्स क्या होती है। वेव्स में सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, फिर आप मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग लेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करेंगे, फिर इसका टाइम पीरियड चेक करेंगे कि टाइम पीरियड कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बता दें, ये ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन आप पढ़ चुके हैं, ये स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, यानी अप एंड डाउन वन फिक्स पॉइंट, यानी अप एंड डाउन जो आपके पास मोशन होगी वो भी ऑसिलेटरी है, और टू एंड फ्रो यानी एक ही पॉइंट के आगे पीछे जो मोशन है वो भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है, यानी एक ही पॉइंट के आगे पीछे या एक ही पॉइंट के ऊपर नीचे और मूव करना आपकी ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। तो इसी मोशन को ही आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है। तो आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो इसे डिफाइन किस तरह आप करेंगे, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज अ मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मीन पोजिशन से, और उसकी डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजिशन की तरफ ही होगी। तो अभी एक्सप्लेन नेक्स्ट जाकर मैं आगे करूंगा कि मीन पोजिशन कौन सी होती है। अभी जस्ट इसकी डेफिनेशन आप रीड कर लें, तो आप इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी एक्सीलरेशन जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द मीन पोजिशन है, ऐसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म का रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एफ रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोपोर्शनल का साइन माइनस साइन शो करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजिशन इसकी डायरेक्शन को, और एक्सेलरेशन के लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म या प्रूव भी करेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट और माइनस का साइन वही ये जो आपने पढ़ा डायरेक्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन इसकी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। नेक्स्ट आपका मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जब कोई मास आप स्प्रिंग के साथ अटैच कर देंगे तो उसकी मोशन कैसी होगी। तो हार्मोनिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द स्प्रिंग, यानी आपने सपोज किया कि कोई भी एक मास जो है उसे ये स्प्रिंग के साथ अटैच करके एक मजबूत सहारे के साथ आपने ये बांध दी है, तो ये जो रेस्ट पोजीशन है इस मास की जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो है वहां पे फोर्स भी जीरो है, इस रेस्ट पोजीशन को आप कहते हैं मीन पोजीशन। फिर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करके इसे स्ट्रेच करते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये जीरो नहीं रहता, यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया है, उस वक्त इसकी ये जो पोजिशन होगी उसे आप कहते हैं एक्सट्रीम पोजिशन। फिर आप इसे रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो स्प्रिंग जिस फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ जाता है वो हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं बल्कि आगे कंप्रेस हो जाता है और फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, और फिर दोबारा जिस फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ आता है उसे आप कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी फोर्स ज्यादा स्टोर होगी इसमें, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतनी फोर्स कम स्टोर होगी। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से ये वापस अपनी मीन पोजिशन की तरफ चला जाता है। तो ये भी इसने यही लिखा है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस वक्त फोर्स लग रही होगी,
और जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो उस वक्त फोर्स भी जीरो होगी, और जब आपका डिस्प्लेसमेंट लेस देन जीरो हो जाएगा यानी अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा, उस वक्त भी फोर्स लग रही होगी। तो आइए देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग के, यानी डिस्प्लेसमेंट के। आपने पढ़ा है 9th में कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर एक लिमिट है ना, अगर आप स्प्रिंग बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वो फिर वापस मेन पोजिशन की तरफ नहीं आएगा बल्कि वो एक सीधी वायर बन जाएगी। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर आप फोर्स बढ़ाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, जिसे आप हुक्स लॉ कहते हैं, और वही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है यानी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन होगी। और इसे आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे एफ प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स, वही एफ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, प्रपोर्शनल का साइन का डायरेक्ट प्रपोर्शनल है एक्स डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये टूवर्ड्स द मेन पोजिशन है। प्रोपोर्शनल खत्म करें तो आप इक्वल और एक कांस्टेंट के यहाँ पे यूज करेंगे। ये के क्या है, के आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। अगर के को डिफाइन करना चाहें, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा फोर्स अवर है एक्स के। ये कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से इसके साथ माइनस का साइन नहीं यूज किया, यानी माइनस का साइन इसके साथ कोई तलग नहीं इसका, आपने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है। तो आप इसे इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपके पास रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग या डिस्प्लेसमेंट का कह लें इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो अगर आप इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन पुट कर दें, डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट मीटर पुट कर दें, तो न्यूटन पर मीटर आपका यूनिट बन जाएगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का। तो आए अब आगे चलते हैं। आगे एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने फोर्स लगाई स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसमें एक्सेलरेशन भी जनरेट हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि वो फोर्स इक्वल होगी एम ए के। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपका एम ए इक्वल आ जाएगा माइनस के एक्स के। अब एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स अवर एम। अब इसमें देखा जाए तो आपके पास के और एम ये दोनों कांस्टेंट है, यानी के भी चेंज नहीं होगा, एम भी मास भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो सकती है तो एक्सटेंशन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी। तो इन दोनों को आपने कांस्टेंट लिख दिया के बाई एम को, तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस कांस्टेंट एक्स। अब इक्वल और कांस्टेंट खत्म करके दोबारा आपने प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर लिया और ये बन गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और यही आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ये वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, आपने हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वापस अपनी मेन पोजिशन की तरफ जाएगा, जैसे कि ये वापस अपनी मेन पोजिशन की तरफ जा रहा है फिर आगे कंप्रेस हो रहा है। तो नेक्स्ट इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के लिए आपने दोबारा वही रिलेशन यूज किया ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम वाला, ये पीछे ये वाला रिलेशन ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। तो एक दूसरा रिलेशन यही है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस का साइन मैं भूल गया क्योंकि ये आपका नहीं था, ये नेक्स्ट क्लास में आप जाके प्रूव करेंगे कि ए इज इक्वल टू इसके अलावा आपके पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के बाई एम। अब यहां से स्क्वायर खत्म करें तो ओमेगा इज इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। अब टाइम पीरियड का रिलेशन ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, टी इज इक्वल होता है टू पाई अवर ओमेगा। यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड है, टू पाई कॉन्स्टेंट है एक्सपेरिमेंटल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल आ जाएगा आपका टू पाई अंडर रूट एम अवर के। एम मास जो आपने अटैच किया स्प्रिंग के साथ, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, टू पाई आपका एक्सपेरिमेंटल है कॉन्स्टेंट है। तो ये आपका टाइम पीरियड का रिलेशन फार्मूला आ गया
स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। हम आपको बताता है, चलो पहले के टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा स्प्रिंग, उसे आप टाइम पीरियड कहेंगे। मैं आपको पीछे बता देता हूँ, ये इसकी मीन पोजिशन, ये नीचे आया है, यहां से लेकर ये वापस फिर यहां पर, तो ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना इसने टाइम लिया है, उसे आप कहेंगे टाइम पीरियड। या आप ये कह लेंगे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशन, ये एक्सट्रीम, ये वापस, यानी यहां से ये गया, जब ये वापस दोबारा इस पोजिशन पे आया, तो यहां तक जितना इसने टाइम लिया वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा एक साइकिल के लिए। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना स्प्रिंग टाइम लेगा, उसे आप क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड का। और स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए वो इक्वल होगा 2π√m/kk। इस रिलेशन से पता चलता है कि टाइम पीरियड मास और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा दें, कम कर दें, जहां से मर्जी छोड़ें उसे खींच के, टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड उसका सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड उस वक्त चेंज होगा अगर आप उसका मास और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है एक सेकंड में साइकिल्स की तादाद, कि एक सेकंड में उसने कितने साइकिल्स कवर किए हैं। और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, उल्ट है, तो एफ इज इक्वल टू 1/T। आप इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा 1/2π√km। इस तरह आपकी ये फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। सॉरी, ये टी मैं लिख गया दोबारा, ये टाइम पीरियड नहीं था, ये टाइम टी की जगह पे आपका एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रॉपर्टीज इसकी दोनों पोजीशन पे आप चेक करेंगे कि मीन पोजीशन पे कैसी होंगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी होंगी। प्रॉपर्टीज मीन यानी एक्सेलरेशन कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, ये आप चेक करेंगे। तो ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है आपके पास, यहाँ पे ओ जीरो, ये अपर एक्सट्रीम ए, ये लो एक्सट्रीम बी, यानी ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये आपकी मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन है। तो फर्स्ट मीन पोजीशन के लिए हम चेक करते हैं, मीन पोजीशन के लिए क्या, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, कि मीन पोजीशन पे कोई भी फोर्स नहीं लगती, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है एक्स, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ए जीरो तो आपका एफ भी जीरो, इसलिए कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, लाजमी बात है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने प्रूव किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, मीन पोजीशन पे जीरो ही होगा। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स मैक्सिमम है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और ये रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी ये फोर्स भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक्सट्रीम पोजिशन पे फोर्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जबकि मीन पोजिशन पे ये दोनों जीरो होंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे मिनिमम या जीरो है। नेक्स्ट, वेलोसिटी चेक करें तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि आपने देखा वो मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है, बल्कि आगे निकल जाता है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, इसलिए मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। जबकि एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, यानी यहाँ पे जब वो जाएगा तो एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर वापस आएगा, जिसकी वजह से वहां पे उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। रिलेशन पढ़ा आपने काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वेयर, तो वी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां पे वी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहां पे वी जीरो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पोजीशन पे जीरो होती है, ये मैंने रिलेशन लिख दिया साथ, ये आप नेक्स्ट प्रूव करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वेयर, अब मीन पे एक्स जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो।
जबकि एक्सट्रीम पे एक्स मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, सॉरी कुछ मिस्टेक सी वो थोड़ा जल्दी में हो गया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। अगर आप कंप्लीट टेंथ के लेक्चर सुनना चाहते हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोज़ को देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।